महानगर के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित संघ सभागार में दी कचहरी फिजिकल कलवर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कचहरी क्लब गोरखपुर के कार्यकारिणी का चुनाव सोमवार को सकुशल संपन्न हुआ। चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात समर्थकों ने विजयी प्रत्याशियों को माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भरतलाल श्रीवास्तव ने विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र देते हुए शुभकामनाएं भी दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भरतलाल श्रीवास्तव और विजय प्रत्याशी अशोक गुप्ता ने कहा, भरतलाल श्रीवास्तव मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। शांतिपूर्ण रहा है, कचहरी क्लब का चुनाव रहा है और इसमें जो चार महत्वपूर्ण पदों के लिए इसमें कई उम्मीदवार खड़े थे, जिसमें संयुक्त सचिव पद के लिए जो है चार उम्मीदवार थे, अश्विनी कुमार पांडे, बजरंग सहाय, सतप्रकाश दुबे और सुग्रीव कुमार। सुग्रीव कुमार को 46 मत सबसे अधिक मिला है, उन्हें विजयी घोषित किया गया है। इसी प्रकार खेल सचिव के लिए चार उम्मीदवार थे, अश्विनी कुमार पांडे, दिनेश कुमार दुबे, राजीव सिंह, रितेश शर्मा। इसमें राजीव सिंह को सबसे अधिक 59 मत मिला है, उन्हें विजयी घोषित किया गया है। सबसे लेखाकार पद पर जो है दो उम्मीदवार रहे, अशोक कुमार गुप्ता जी और सूर्यभान चौधरी। इसमें अशोक कुमार गुप्ता को सबसे अधिक 69 मत मिला है, इन्हें विजयी घोषित किया गया है। इसी प्रकार कोषाध्यक्ष पद पर भी दो हमारे प्रत्याशी रहे हैं, रितेश शर्मा और विनय कुमार सिंह। विनय कुमार सिंह को 101 मत सबसे अधिक मिला है, इन्हें विजयी घोषित किया गया है। ऑडिटर पद पे जो है निर्विरोध राजेंद्र शर्मा घोषित हुए हैं और 10 जो सदस्य हमारे हैं उन्हें भी जो है निर्विरोध घोषित कर दिया गया है। हाँ, कचहरी क्लब का चुनाव मैंने लगातार चौथी बार जीता हूँ इस पद पर, लेखाकार के पद पर, और इसके पहले मैं संयुक्त सचिव के पद पर चुनाव निर्वाचित हो चुका हूँ। ये कचहरी क्लब का मेरा 5वां कार्यकाल है। जी 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 जी, मेरे सामने बहुत बहुत कठिनाइयाँ आई। मैंने बिल्डिंग तोड़वा करके नई बिल्डिंग का व्यवस्था कराया, गेट चारदीवाली टूटी थी, चारदीवाली तोड़वा करके जो हमने नया चारदीवाली लगवाया, गेट लगवाया। मेरा अगला प्राथमिकता है कि जो है वहाँ पर बैडमिंटन हॉल बनवाएंगे और किनारे किनारे दुकानों का जो है निर्माण कराने का व्यवस्था करेंगे और कचहरी क्लब में मिट्टी डलवाने का भी व्यवस्था करेंगे, जिससे वहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है पानी बरसने पर उसमें लग जाता है। मैं ये व्यवस्था करूँगा कि वहाँ पर मिट्टी की व्यवस्था हो जाए और बैडमिंटन हॉल की व्यवस्था हो जाए, दुकानों की व्यवस्था हो जाए। उसके बाद हमारा एक टीन सेट पड़ा हुआ, उसको भी मैं मरम्मत कराने का काम करूँगा और कचहरी क्लब को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। जी 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 जी, मेरा जितने पदाधिकारी जीते हुए सब हमारे साथ हैं, कोई हम लोगों में फर्क नहीं है और कल से हम लोग एक साथ कदम से कदम मिला के काम करेंगे, कचहरी क्लब के विकास के लिए करेंगे।